डोनाल्ड सिंह जी, देशभक्त यादगार हॉल की गदर लहर और गदरियों के लिए भी एक विशेष महत्ता है। ये जो यादगारी हॉल है, ये किसने और क्यों बनाया गया? पहले तो ये गदर लहर और गदरियों की तमाम हिंदुस्तान के लिए एक विशेष हालत है, क्योंकि इन्होंने हिंदुस्तान की जंग आज़ादी का पहली दफ़ा नींव पत्थर रखा 1857 के बाद। गदर पार्टी जब काले पानी से बाबा विशाखा सिंह और गदरी सूरबीर रहा होकर आए, तो बाबा विशाखा सिंह की तमाम जायदाद घर बार जब्त हो चुका था। वो गुरु रामदास सराय में आकर ठहरे। उनको मिलने के लिए गदरी शहीदों के, गदरी सूरबीरों के परिवार मिलने के लिए आए। तो जब उन्होंने उन बच्चों की, उनकी घर वालों की हालात देखे, तो उनके दिमाग में ये ख्याल पैदा हुआ कि हमें इनकी माली इमदाद कुछ ना कुछ करनी चाहिए। तो देशभक्त परिवार सहायक कमेटी बनी, जिसकी तरफ से, बाबा जी की तरफ से बाहरले मुल्कों में भी और इधर भी अपील की गई और काफ़ी फंड इकट्ठा हुआ। उस फंड की बदौलत वो इन परिवारों की इमदाद करते रहे। उसके बाद बबरकाली शहीदों के परिवारों की और नौजवान भारत सभा के परिवारों की 1947 तक, मुल्क आज़ाद होने तक, ये गदर पार्टी परिवार सहायक कमेटी ही बनी। उसके बाद ये देशभक्त यादगार कमेटी बनी। 1947 के बाद कुछ पैसा इनके पास था और कुछ पैसा बाबा अमर सिंह संधवा, जिनको हम महादानी कहते हैं, उन्होंने दिया। और ये ज़मीन राय बहादुर बद्रीदास से हमने 55-56 में खरीदी। और लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के करतार सिंह सराबा पिंगले जो फांसी आए थे 17 नवंबर 1969 को, फिर यहाँ हम बाबा गुरमुख सिंह जी, उस वक्त जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने और बाकी गदरियों ने मिलकर तमाम हिंदुस्तान के इनकलाबियों को इकट्ठा किया। बंगाल के इनकलाबियों को, महाराष्ट्र के इनकलाबियों को, जो उस वक्त जीते थे, उन तमाम की मौजूदगी में इस हाल का नींव पत्थर रखा गया। 17 नवंबर 1959 को बाबा अमर सिंह जी ने रखा। उस वक्त जितने मार्शल ला के कैदी थे, राजा महेंद्र प्रताप वगैरह, वो तमाम यहाँ आए थे, उनकी फ़ोटो हमारे पास है उस वक्त। आज की तारीख में ये यादगारी हॉल है, ये क्या भूमिका निभा रहा है? हम जो गदर पार्टी के विचारधारा, जो कि बिल्कुल हिंदुस्तान की जो मौजूदा सरकार है उसको ख़त्म करने पे तुली हुई है, और गदर शहीदों को प्रॉपर आज़ादी की लड़ाई में पूरी स्थान भी नहीं दे रही, हम गदर पार्टी की विचारधारा को फैलाने में लगे हुए हैं। किताबें छापकर और सेमिनार करवाकर और मेले करवाकर, क्योंकि गदर पार्टी से ही बबरकाली पैदा हुए, गदर पार्टी से ही भगत सिंह की नौजवान भारत सभा पैदा हुई, और गदर पार्टी ने ही बाहर इंडियन नेशनल आर्मी की गदरियों ने बुनियाद रखी। और वो भी फ़ोटो हमारे पास है, जब रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को वो बैटन दिया, क्योंकि रास बिहारी बोस का गदर पार्टी में बहुत अहम रोल था, तो उन्होंने ऑर्गेनाइज करने में हमारी बहुत मदद की थी। वो आपको तमाम हिस्ट्री का मालूम है कि किस तरह लाहौर उन्होंने आकर अपना हेडक्वार्टर खोला और किस तरह गदर पार्टी के इनकलाब का दिन मुकर हुआ उनकी लीडरशिप में। गदर पार्टी अमेरिका से शुरू हुई थी, क्या गदर पार्टी का वहाँ भी कोई दफ्तर थे, और अगर है तो उसकी क्या स्थिति है? 1947 के बाद वहाँ की गदर कमेटी ने वो दफ्तर हवाले कर दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये समझ कर कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इन गदरी सूरबीरों को और उस दफ्तर की अच्छी तरह संभाल करेगी, और वहाँ इनकी याद में याद को संभाल कर रखा जाएगा और गदर पार्टी का प्रचार होगा। लेकिन अफसोस की बात है, वो दफ्तर तो है लेकिन वो दफ्तर बंद पड़ा है, और सेंट्रल गवर्नमेंट उस दफ्तर की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही। करतार सिंह सराबा का जो प्रेस था, जिस प्रेस से गदर अखबार निकलता था, वो भी इन्होंने नहीं संभाला। और जितनी वहाँ के गदरियों की याददाश्तें थी, जिसको आके वो इकट्ठे करके वो म्यूज़ियम बना सकते थे, वो भी इन्होंने कोई संभाल नहीं की, और इसका हमें बहुत अफसोस है, और हिंदुस्तान की जनता को इसका नोट्स लेना चाहिए। Thank you.
कितना टाइम लगा जी इस जो इमारत को? अनार से शुरू हुआ था तो 5-6 साल में ये निचला तो बन गया था। उसके बाद फिर ये काम बंद पड़ा रहा क्योंकि यहाँ को पब्लिकेशन पीपल पाथ और देशभक्त यादें निकालने शुरू कर देती। तो उसके बाद अब 1979 बाबा भगत सिंह बिलगा इसके जन सकत्र बने। अच्छा जी, 79 में दूसरी कार्रवाई उन्होंने शुरू की। वो जरा फर्स्ट फ्लोर हाल और वो जरा वो उन्होंने जो वो है जन सेक्रेटरी थे उस ज़माने में बना। उन्होंने इंग्लैंड में भी गए, 4-5 लाख रुपए इकट्ठा करके वहाँ से लाए तो फिर ये उतला हाल बना। हाल बहुत बड़ा है, 100 फुट बाई 65 फुट और कोई मतलब स्पैन है मतलब सपोर्ट है नहीं। तो RCC की छत सी वो बड़ी प्रॉब्लम सी, बीड़े इतना चौड़ाई पर कैसे RCC डाली जाए। तो फिर बहुत घूमना पड़ा, इंजीनियरिंग कॉलेज गुरु नानक इंजीनियरिंग कॉलेज में भी जाना पड़ा, वहाँ से उनसे नक्शा तैयार करवाया, फिर उनसे सर्टिफिकेट लिया भाई ये RCC चल सकेगी या नहीं चल सकेगी फिर उन्होंने जो भी बताया वो ट्रसेस बनाई, 2.5-2.5 टन की ट्रसेस है। फिर एक प्रॉब्लम और खड़ी हो गई भाई ये ट्रसेस ऊपर कैसे जाएंगी। 1-2-3 साल वैसे ही पड़ा रहा क्योंकि उसको उठाएगा कौन, लोग बहुत डराते थे भाई ये तो अगर गिर पड़ी तो ये निचला हाल भी इसकी छत गिर जाएगी। तो करते करते हमने दिल्ली से हमें पता किया कि मिलिट्री की एक क्रेन टाइप होती है, मशीन होती है, वो किसी कबाड़िए के पास पड़ी थी, वहाँ से फैलाए लागे वहाँ। फिर वो एक टाटा नगर से एक यहाँ आया था फोरमैन, यहाँ था उसकी बाँह भी काटी हुई थी। अच्छा जी। एक बाँह थी। अच्छा जी। वो हमारे कंटेक्ट में आ गया, वो मशीन भी उसने हमें बताई थी। तो फिर वहाँ ऊपर जाकर मशीन को फिर वो 4-4 बंदे जड़े उसको मतलब लिफ्ट करके ना पुली बनाकर तो वो ऊपर रख दिया। तो फिर ये RCC हाल जो है वो छत डल गई। फिर उसके बाद इसमें साउंड प्रूफिंग हुई, इसमें साउंड प्रूफिंग हुई और अंदर में उसमें भी पंजाब सरकार ने वैष्णव जी जल सकत्र से उस समय अतवाद का दौर था तो वैष्णव जी ने फिर हमें 9 लाख रुपया साउंड प्रूफिंग के लिए इंटीरियर जो है उसके लिए दिए। ये बिल्डिंग महज एक बिल्डिंग नहीं है, इसके अंदर आज़ादी का वो इतिहास मोया पड़ा हुआ है, किताबों की शक्ल में, तस्वीरों की शक्ल में, दस्तावेज़ों की शक्ल में, उन सूरवीरों के हाथों में की लिखी हुई चिट्ठियों की शक्ल में रखा हुआ है। इसको हम आज भी इसकी प्रबंधक की जो कमेटी है उसके जो प्रेसिडेंट हैं बाबा भगत सिंह जी बिलगा, आज 102 साल के हैं, वो शहीद भगत सिंह के समकाली थे, उन्होंने बड़े गदरियों के साथ काम किया, बाबा सोहन सिंह भकना जो गदर पार्टी के बानी थे उनके साथ भी उन्होंने काम किया, आज भी वो 102 साल की उम्र में भी इस कमेटी की अगुवाई कर रहे हैं, ये ट्रस्ट है जो इस यादगार को चलाता है। इसका मेन मकसद क्या है हमारे ये जो ट्रस्ट है वो उसकी फॉर्मेशन कब से शुरू हुई, वो बनना कब से शुरू हुई? ये बहुत पहले आज़ादी से पहले जब हिंदुस्तान इकट्ठा था, पाकिस्तान होंद में नहीं था, तब का ये देशभक्त परिवार सहाय कमेटी की शक्ल में ये बना था। ये देशभक्तों ने खुद बनाया था जो जेलों में कैद रहे, बाहर आके अपने साथियों की मदद के लिए उन्होंने बनाया, परिवारों के लिए बनाया। आहिस्ता आहिस्ता बाद में ये देशभक्त परिवार सहाय कमेटी देशभक्त यादगार कमेटी में बदल गई जी। और यादगार कमेटी जो है जहाँ तक इतिहास को सामने रख रही है वहाँ उसी स्नेह को आज की जनरेशन के लिए आगे लाने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए भी उस सरगर्म है, क्योंकि आज की जनरेशन को पता चलना चाहिए कि इस आज़ादी के पीछे कितनी कुर्बानियों का इतिहास है। हम उसी सारे इतिहास को, जो सबसे बड़ा मीडिया है वो है एक कल्चरल प्रोग्राम के जरिए जिसको हम मेला गदरी बाबियां का,
ये नाम है, ये नाम एक लहर का नाम है मेला गदरी बाबे का। ये एक इंटरटेनमेंट का महज मेला नहीं होता, इसमें 5 रोज़ का मेला होता है जिसमें हम तरह तरह के मीडिया कराएं, चाहे वो पेंटिंग मुकाबला हो, गायन मुकाबला हो, क्विज मुकाबला हो, भाषण मुकाबला हो, इनके जरिए हम लोगों को, बच्चों को, कॉलेजों के, स्कूलों के, सभी जनरेशन को उनकी कुर्बानी के बारे में बताते हैं। उसी इतिहास के ऊपर सभी मुकाबले होते हैं। उसके अलावा फिर हम पूरी एक रात वक्फ वक्फ प्लेज होते हैं जो सारी रात चलते हैं, बहुत बड़ी गिनती में लोग इस मेले में शामिल होते हैं। और वो सभी प्ले जो है यहाँ पर आज जो मौजूद इस वक्त की प्रॉब्लम्स हैं, यूथ की हैं, औरतों की हैं, मजदूरों की हैं, किसानों की हैं, उस विषय पे होते हैं। उसी की बैकग्राउंड में गदर पार्टी का क्या नज़रिया था, गदरी क्या सोचते थे, उनका एक बहुत ही खुशहाल बराबरी वाले हिंदुस्तान का सपना था। और हम उनके सपनों का जो आदर्श थे, जिस तरह का वो देश उसारना चाहते थे, उसी सब्जेक्ट्स के ऊपर ये सारे ड्रामे करते हैं। गीत संगीत होता है, बड़े बड़े अर्थशास्त्री लोग हैं जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनके भाषण होते हैं। बलवीर पुरवाना जी, आप यादगार हॉल से काफ़ी अरसे से जुड़े हुए हैं। हाँ। जो यादगार हॉल की पहली पब्लिकेशन थी वो भी आप ही ने शुरू की थी, वो कैसा रहा, क्या वाक्य था वो? देखो जी, सिमर जी, गल कि मैं जी लाइब्रेरी है ना, मैं जहाँ देशभक्त गदर पार्टी दी लिखत सी, मैं पढ़न का बहुत शुरू तो शौक सी। तो जदों मैं बाबा विसाखा सिंह होरां दी हथ लिखत पढ़ी, वो असल च गदर पार्टी शुरू होने तो पहलां दे हालात ने जी। भी गदर पार्टी 1914 फॉर्म हुंदी है। हाँ जी, हाँ जी। पर 1913 च 1912 च जदों बाबे उत्थे सब तो बड़ा आलूआं दा फार्म चलाउंदे सी अमेरिका च जी, ते उत्थे विद्यार्थियां उन्हां दे दिल च सीगा कि असीं साडा देश आजाद होवे, ते इत्थों स्टूडेंट्स नूं वजीफे दे के उन्होंने सद्या उत्थे पढ़न लई। उन्हां विच ही जिहड़ा शहीद करतार सिंह जिहड़ा बाद शहीद होया, सब गदर पार्टी का हीरो बनिया छोटी उम्र के शहीद। हाँ, ये गद एक्चुअली सराबे नूं पढ़न लई वजीफे दे के सद्या सी उत्थे जी। ते वो लिख च सारे जिक्र सीगे वी किहड़े हालात सी उत्थे, पंजाबी जिहड़े रहिंदे सी 1912-13 च वो किहो जी हालत रहिंदे सी, किद्दां इन्हां ने पंजाबियां जिहड़े इत्थे स्टूडेंट्स सदे ने वजीफे दे के, ते फिर किदा ये सारा जिहड़ा हरा सी, इन्हें एक उत्थे दी जिहड़ी इन्हां दा वितकरा हुंदा सी उहनूं देख के किवें ये जिहड़ी एक बनी है, सभी सभी आंखों देख के हालात। हाँ, गदर पार्टी किवें बनी है, वह तो पहले वह सारे हालात से, वह डायरी मैनूं बहुत इंपोर्टेंट लगी जी। तो मैनूं लग्या कि इहनूं ना छापना चाहिए, फिर मैं उहनूं एडिट करनी शुरू की, क्योंकि वह बाबा जी की हथ लिखत उस वेले होर तरह लिखी हुई सी, तो फिर मैं उन्होंने थोड़े शब्द जोड़ जा जो भी किया करके, तो फिर मैं छापन के प्रोसैस पिया, पहला ही अखबार छापी, फिर वो किताब रूप छापी। सो मैं लगता कि वह लिखत हूँ भी जे गदर पार्टी सब तो इंपोर्टेंट लिखत मैं लगती है, तो वह है जी एक बाबा जी जिहड़े इस गदर पार्टी के लीडर से, उन्होंने लिखे, उन्होंने हथ, उन्होंने अपने बच अपने बचना च भी ये पार्टी फॉर्म करने की लोड़ क्यों पई सानू, है ना। इस करके मैं बहुत इंपोर्टेंट लगी सब तो, मैं उन्होंने